मीडिया भारत न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। पावसाळा तोंडावर असतानाच उल्हासनगर मध्ये मोहिनी पॅलेस आणि त्याच्या पाठोपाठ साई शक्ती इमारत ढासळली, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली। यानंतर मात्र उल्हासनगर मधील इतर सदनिका धारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्राट पसरलेली आहे। असं असताना उल्हासनगर महानगरपालिकेने सरसकट सगळ्या हजारो बिल्डिंगना आता स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा आदेश फरमावले आहे। यासाठी त्यांनी एक अर्ज तयार करून प्रत्येक इमारतीच्या समोर जाऊन त्यांचे कर्मचारी केवळ इमारतीचं नाव टाकून या नोटिसा त्यांना बजावत आहेत आणि लवकरात लवकर स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर करण्यासाठी सक्ती करत आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये उल्हासनगरमध्ये राहणारे रहिवासी नक्की कोणत्या संभ्रमावस्थेत आहेत हे जाणून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरतंय। आपण आमचं चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर आजच करा आणि इतरांनाही सांगा। बुलेटिन आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका। आपण आहोत उल्हासनगर कॅम्पच्या 4 मधील देवकी पॅलेस या इमारतीमधील, जेथील राजेश छाबरिया जे सदनिका धारक आहेत त्यांनी मात्र प्रशासनाला उलट प्रश्न विचारलेला आहे की तुम्ही जर आमच्या इमारतींची दृश्य पाहणी करून अहवाल सादर केला असेल आणि त्या बळावर जर नोटिसा बजावल्या असतील तर त्या अहवालाच्या प्रती आम्हाला का मिळालेल्या नाहीत, यावर सविस्तर आपण त्यांच्याकडनं माहिती घेऊया। राजेश छाबरिया यांना मी विचारतो, आपने कमिश्नर को जो पत्र लिखा है क्या लिखा है और आपकी क्या मांग है? सर, हमारे को 29 मई 2021 को एक नोटिस मिला कॉरपोरेशन के यहाँ से कि आपकी एक विजिबल इन्फेक्शन हुई है जिसमें आपकी बिल्डिंग अनसेफ है, जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो मैंने जब बिल्डिंग में इंक्वायरी किया तो ना कॉरपोरेशन का कोई इंजीनियर ऑफिसर हमारे बिल्डिंग की देख रेख करके गया या किसी के समक्ष करके गया, तो मैंने वही कॉरपोरेशन कमिश्नर सर से यही सवाल पूछा है, यही मांग की है कि जो आपकी इंस्पेक्शन हुई हमारे बिल्डिंग में उसका रिपोर्ट मुझे दीजिए ताकि मैं सारे बिल्डिंग वालों को दिखा के उसके आगे हमको क्या काम करवाना है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है वो सब। क्योंकि ये नोटिस के बाद सारे बिल्डिंग में डर का माहौल है कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। हमारी बिल्डिंग 12-13 बरस पुरानी बिल्डिंग है, इसमें स्ट्रक्चरल ऑडिटर का हमको नोटिस दिया गया है 14 दिन में हमको उसका अहवाल पेश करने को, जबकि हमको सिर्फ ये लिख के दिया गया है कि विजिबल इन्फेक्शन, उसमें कोई अहवाल नहीं है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है कि इन्फेक्शन आपके बिल्डिंग में कॉरपोरेशन के कोई इंजीनियर था, कोई अधिकारी आए थे? नहीं, कोई नहीं आया था, सिर्फ 2 अधिकारी जिनके हाथ में जेरॉक्स लेटर था, अधिकारी का साइन हुआ, यहीं खड़े रह के बिल्डिंग का नाम देख के वो लोग नोटिस लगा के गए। बाकी किसी ने कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, कोई सरकारी ऑफिसर हमारे बिल्डिंग में आया नहीं, जब जहाँ तक मेरी जानकारी, क्योंकि मैंने सारे बिल्डिंग वालों से पूछा तो किसी के भी जानकारी में ये नहीं है कि कोई सरकारी ऑफिसर या इंजीनियर आके हमारी बिल्डिंग में कोई इंस्पेक्शन करके गया। इथल्या सदनिका धारकांचं म्हणणं आहे की कोणतेही अधिकारी, कोणतेही वास्तुविशारद किंवा महानगरपालिकेचे अभियंते तपासणीसाठी आले नाही, त्यांनी इमारतीची तपासणी केली नाही, केवळ आपल्या बिल्डिंगचं नाव त्या फॉर्मवर भरून त्यांनी नोटिसा त्या बळावर बजावलेल्या आहेत। तर अशा अवस्थेमध्ये सदनिका धारकांनी पुढे करावं काय?